तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जे कॉर्प के स्टॉक के बारे में। जे कॉर्प के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो अब देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोवर लोवर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.10% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, वो भी यहाँ पर स्टॉक के इस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से अभी स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 391 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 365 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 341 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 416 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में आगे एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको स्टॉक में 450 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 475 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 500 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 550-600 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।